नाटक जिसका नाम है तोरण, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की अनुदान योजना के अंतर्गत ये तीसरी प्रस्तुति है। नाटक का नाम है तोरण। इसके लेखक है अमोल देवीदास सागरे। इसका निर्देशन किया है सपना मिश्रा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नाटक पसंद आएगा। कहानी बहुत अलग है, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं मिलके नाटक तोरण। दंगों ने सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। एक सुहागन जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई थी, उसका सुहाग उजड़ गया क्योंकि दंगलियों ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। 5 साल के बच्चे के लिए दवा लेने के लिए पिता पुत्र को दंगलियों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि पिता की मौत हो गई। दंगलियों ने कई इमारतों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दुकानों में तोड़ फोड़ कर उन्हें लूट लिया। दंगलियों ने देश के कई बैंकों को भी लूट लिया है। स्कूलों और शहर की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी में आग लगा दी। हजारों दंगाई सबको पढ़ते हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। आदमी या आदमी कहना गलत होगा, वो दंगाई जो राजधानी की बदलती तस्वीर का चेहरा है। बंदूक लेकर पुलिस वाले को कहता है पीछे हो, इतना कहता ही नहीं है मारता नहीं। नफरत की आग लगी हुई सर पर सवार लाठी डंडे चल रहे, पेट्रोल पंप हट रहे। अच्छी कच्ची गली दोबारा नहीं मिलेगी। क्या कर रहा है?
मत देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ? समय किसी के भी हालात देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता, पर सच बात ये है हमारे हालात ही हमें कुछ करने की ताकत देते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हो सकता है मेरे हालातों ने मुझे फिर बस बोलना चला ना, तो मैं खुद के लिए कुछ कर पा रहा हूँ ना ही अपने बहन के लिए। पर भरोसा नहीं है, ऐसे निकलो। हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुमने कहीं 9 साल की बच्ची को देखा है? किसी को नहीं देखा, जल्दी यहाँ से निकलो नहीं तो कोई आएगा। लेकिन तुम तुम यहाँ अकेली समाज के लिए
दूसरे का माथा फोड़ते हैं। कोई है इधर? अरे कोई है तो बता दो, हम पुलिस वाले हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई जिंदा है तो बाहर आ जाओ, उसको सही सलामत उसके घर पे छोड़ दिया जाएगा। कोई है? अबे साले वहां खड़े होकर बकवास कर रहा है, कोई है नहीं उधर? अबे साले यही तो दिक्कत है, पिछले 6 घंटे से पूरे शहर में एक जिंदा आदमी नहीं मिला। जिंदा नसीब ही खराब है अपना। ओए हाँ इधर आइयो, इधर। साला बूढ़ा कैसे तड़प रहा है? मैं मरे हुए को क्या मारेगा? चलिए उधर तो होगा। अबे सर मैं टाइम नहीं हूँ। कुछ भी नहीं, वो नीले वाले घर में चलेगा। कौन से वाले? बदे वो जो चल रहा है। हाँ चलते हुए मकान में सोने के सिक्के मिलेंगे, साले मिल ही जाए तो जा ढूंढ ले, मिल जाए तो नहीं। साले कोई भागे इधर से, पकड़ साले को, बच के ना जाने पाए। इसीलिए मैं कहता था कि मैं रुकता हूँ।
विश्वास के साथ कह सकती हूं कि तुम्हारा कोई जिंदा है?
तुम्हारा दर्द कम हो। तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? हमारी लव मैरिज। कब हुई? हमने भाग कर शादी। तो मतलब तुम दोनों मुसलमान? मैं उससे जात में बहुत ऊंची थी, घर वाले नहीं माने तो मैं भाग गई। तो तुम्हारी तरक्की में उनके लिए मैं मर चुकी। तुम लोग खा जाओगे क्या करोगे? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ मैं जीऊँ अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए। उसने मुझे जीना सिखाया और इसे पाऊंगी। चार दिन में सब खत्म हो गया, थोड़ी भी बना होती तो ध्यान रखता। क्या मैं अपनी बहन को कहीं जाने नहीं देता, उसको अपने साथ अपने घर में ही रखता। क्या हमारे तुम्हारे घर के दरवाजों में इतनी ताकत है कि वो उन 100-150 लोगों को रोक सके? नहीं, हमारे तुम्हारे घर के दरवाजों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उन 100-150 लोगों को रोक सके। हम तो बहुत साधारण से लोग हैं, बहुत साधारण तरीके से अपना जीवन बिताते। समझ नहीं आता, जब कोई घटना घट रही होती है तब हम कुछ क्यों नहीं करते? उस घटना के घट जाने के बाद हम सड़कों पर मोमबत्तियों के मोर्चे निकालते हैं, बैकग्राउंड में सैड सॉन्ग लगाकर भाषण देते हैं। अगर हम कभी कुछ करें तो हमें ये सब करने की कभी जरूरत ना पड़े। हाँ, और यही लोग रोज इकट्ठा होते हैं, हत्या पर हत्या करते हैं, हम जैसे लोगों को धमकाते हैं, हमारे साथ आग में चोरी का खेल खेलते हैं, और फिर यही लोग हमको अपने शाखों पर नचाते हैं। और फिर वो जैसे हमें नचाते हैं वैसे हमें नाचना ठीक पड़ता है। अबे बुड्ढे, अबे साले कहाँ भाग रहा है? मुझे जाने दो। अबे भाई तो जाने तो दे रहा हूँ तुझे, रुक साले। तेरी तो मेरी मदद करोगे?
Excellent.